चुटकी, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? मेरी एक सुंदर सी माला खो गई, वो मुझे पापा ने जन्मदिन पर दी थी। क्या वो गुलाबी रंग की थी चुटकी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे एक गुलाबी रंग की माला सोफे के नीचे दिख रही है। सच में? अरे ये क्या, ये तो टूट गई। सॉरी चुटकी, चलो इनको इकट्ठा करते हैं। टिंकू देखो यहाँ नीचे भी। हमने काफी सारे मोती इकट्ठा कर लिए हैं। लेकिन अब मैं इसका क्या करूं? मेरी माला तो अभी भी टूटी हुई है। बच्चों, क्या तुम सभी को पता है हम इनसे फिर से माला बना सकते हैं? क्या सच में हबी चाचा? हाँ बच्चों। लेकिन पापा, हमें सारे मोती नहीं मिले हैं, इसमें अभी भी कुछ मोती कम है। तो तुम इससे एक हाथ में पहनने वाली माला बना सकती हो। वो कैसे हैप्पी चाचा? देखो, मेरे पास ये एक धागा है, तुम एक एक करके सारे मोती इस धागे में डालना, ठीक है? अरे ये क्या, ये तो फिसल गया। ओहो, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है पापा। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सबसे पहले अपनी उंगलियों को इस तरह से मोड़ो और फिर अपने हाथों से एक मुट्ठी बनाओ और फिर उसे खोल दो। इस तरह से ना पापा? शाबाश बच्चों, ये तो हुई तुम्हारी उंगलियों की एक्सरसाइज। अब हम इस धागे में मोती डालते हैं। तो चलो बच्चों, धागे को ऐसे पकड़ो और फिर उसमें मोती डाल दो इस तरह। लेकर धागा हमने एक, उसमें डाले मोती अनेक। इस तरह है पी चाचा? बिल्कुल सही स्माइली। मेरा भी हो गया। अरे वाह, ये देखो मेरा कंगन कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा भी। अरे वाह, तुम सबने तो बहुत ही सुंदर कंगन बनाया है। कंगन बनाने में तुम सभी को मजा तो आया ही, साथ ही तुमने अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज भी की। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये माला से कंगन बनाने वाला हमारा आइडिया? आप भी हमारी तरह कुछ अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके कुछ नया बना सकते हैं। जैसे माचिस से बन सकती है कुर्सी, आइसक्रीम की डंडी से भी बन सकता है गुड्डा। तो दोस्तों, बनाकर नई और मजेदार चीजें अपने दोस्तों और परिवार वालों को दिखाएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।